सो गाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन किया है कि आप सर हमें ये बताएं कि हमारी वीडियोस वायरल होगी, वायरल होने के बाद अब हम क्या करें, हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज कम आ रहे हैं और वायरल होने की सूरत में किन किन चीजों का ख्याल रख सकते हैं ताकि आपकी जो बाकी की वीडियोज है वो भी वायरल हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आप ऑर्गेनिक वे से या फिर इनऑर्गेनिक वे से किसी भी तरीके से अगर आपकी एक लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो कहीं से भी वायरल हो गई तो आप अपने उस एक वायरल वीडियो की वजह से आप पूरे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने पूरे चैनल की वीडियोस को ग्रो कर सकते हैं। वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सी टिप्स है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी एक वीडियो से अपना 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आंसर देने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, वो बाद में आप लोग देखेंगे कि मेरी ये वाली वीडियो है इस पर 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 1000 व्यूज आ रहा है लेकिन बाकियों पे 50-100 व्यूज था। इसका मतलब है उस चैनल के अंदर 1000 वीडियोस वाली जो वीडियो होगी आपके लिए वो वायरल समझी जाएगी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहली टेक्निक आपने ये अपनानी है कि जो वीडियो वायरल हुई है आपने उसका टॉपिक देखना। मिसाल के तौर पे आपका कुकिंग का चैनल है, आपका मेहंदी चैनल है, आपका मोटिवेशनल चैनल है या कोई भी आपके चैनल की कैटेगरी है, आपने टॉपिक देखना है। आपने टॉपिक निकाल लिया कि ये टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो वायरल हुई है, उस टॉपिक का नाम था ABC। अब आपने क्या करना है, आपने उस टॉपिक के अंदर और वीडियोस बनानी, उस टॉपिक के अंदर आपने और वीडियोस बनाने की कोशिश करनी है, सेम टू सेम का मतलब है कि ABC आपकी आपका मेन टॉपिक था लेकिन अब आपने ABC के अंदर ही रहते हुए, मतलब उसी टॉपिक से बाहर नहीं निकलना, उसी टॉपिक पे रहते हुए आपने और वीडियोस बनानी है, 5, 6, 7, 8, 10 तक वीडियो बना लेनी है आपने। अब होगा क्या, अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ। अब आपने एक वीडियो जो आपकी ABC वाली वायरल थी, वो जो बाकी की वीडियोस हैं, इसका मतलब है उस वीडियो के अंदर लोगों का इंटरेस्ट था। अब आपने क्या किया, आपने एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो और उस टॉपिक के ऊपर उससे रेलिवेंट वीडियोस का पब्लिक किया, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट होगा जो कि आपकी पहली वीडियो के साथ हुआ था जो कि वायरल हुई हुई थी। आपने क्योंकि उसी टॉपिक रहते हुए और वीडियोस बनाई तो आपकी वो वाली वीडियोस भी 99% चांस हो जाता कि आपकी वो वाली वीडियोस भी वायरल हो जाए। अब वीडियो वायरल होने की वजह से आपका चैनल स्लो स्लो ग्रो होगा, वीडियोस ग्रो होंगी। वीडियोस वायरल होने का मतलब ये होता है कि अगर आपके चैनल के सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट नहीं हुए, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस एक वीडियो वायरल होने की वजह से आपके जो 1000 सब्सक्राइबर हैं और 4000 घंटों का जो वॉच टाइम है वो यूं पूरा भी हो जाएगा। अगर उस वीडियो के ऊपर 30,000 व्यूज आए तो 30,000 व्यूज का मतलब ये है कि आपके पास 400-500 सब्सक्राइबर भी आएंगे उस वीडियो से। अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर काम करना है और ज्यादा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। आपने ऐसा हरगिज नहीं करना कि आपकी ABC वाली जो वीडियो है वो वायरल हुई हुई है और आप XYZ की वीडियोस बना रहे हैं, नहीं, आपने ABC से ही रेलेवेंट वीडियोस बनानी है। जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है 1000 सब्सक्राइबर लेके आती है और आप अगर उससे रेलेवेंट और ज्यादा वीडियोस अपलोड करते रहते हैं तो आपके पास वो सब्सक्राइबर और ज्यादा लेके आती रहती है और वॉच टाइम भी आपका और इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद जो अगली गलती आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपकी एक वीडियो वायरल होती है और बाकी के ऊपर व्यूज नहीं आते, वो ये मिस्टेक होती है कि आप लोग क्या करते हैं, अपनी वायरल वीडियो को लोगों को बता रहे होते हैं कि मेरी यार ये देखो ये वीडियो वायरल होगी, यार ये देखो मेरी वीडियो वायरल होगी। आपने ऐसा हरगिज नहीं करना क्योंकि जिस तरीके से अच्छे दोस्त साथ होते हैं इसी तरीके से दुश्मन भी साथ होते हैं। जब आप एक कंपटीशन लेवल ऊपर जा रहा होता है ना, आप अपने व्यूज, अपने चैनल, अपनी वीडियोस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उतने ही ज्यादा आपके दुश्मन भी पैदा होते हैं। तो आपने किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपकी वीडियो जो है वो वायरल होगी। हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को बताएं कि आपकी वीडियो वायरल होगी, हो सकता है वही आपका दुश्मन हो, वो आपको क्लेम कर सकता है किसी भी चीज का रॉन्ग ईमेल आईडी से, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है जान के किसी भी आईडी से, वो आपकी वीडियो को बंद करवा सकता है किसी भी आईडी। तो आप लोगों ने हरगिज ये नहीं करना, हरगिज ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप अपने चैनल की जो वीडियो है वो लोगों को बताते फिरे, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसके बाद कुछ और मिस्टेक है, वो ये है कि आप लोग क्या करते हैं, जब आपकी वीडियो वायरल होती तो आप एंगेजमेंट बना के नहीं रखते, आपने उस वीडियो की एंगेजमेंट बना के रखनी है। एंगेजमेंट बनाने से मतलब ये है कि आपके वीडियोस के नीचे एक लोग कमेंट्स करेंगे, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव को तो आप एक साइड पर रख दो, हम पॉजिटिव की बात करते हैं। जो भी कोई आपको कमेंट्स करे कि वीडियो बहुत अच्छी है, नाइस, जो भी कुछ कहे, आपने उस वीडियो के नीचे उस पर्सन का नाम लेके थैंक यू लास्ट में बोलना, उससे क्या होगा आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और एंगेजमेंट बढ़ने से क्या होगा कि आपकी वीडियोस और ज्यादा ऊपर जाएगी और वायरल और ज्यादा होगी। पहले 30,000 व्यूज थे, यहाँ पे आपको 60,000 व्यूज मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी वीडियो वायरल होगी, वायरल होने की कोई ना कोई रीजन होगी। अब वो रीजन ये हो सकती है कि आपने उसके अंदर अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया हो, अच्छा टाइटल रखा हो या अच्छी डिस्क्रिप्शन हो या अच्छे टैग्स लगा दिए हो या फिर अच्छी थंबनेल बना दी हो, तो ये कोई ना कोई रीजन होगी। तो अब आपने करना, आपने बाकी की जो वीडियोस है ना उनसे रेलिवेंट वीडियो जो आप बना रहे हो
होंगे या आपने बनाई हुई होंगी, आपने उसको भी छेड़खानी कर ली है, ताकि आपकी जो वो वीडियोस है उससे रिलेटेड अगर आपने पब्लिक पहले से कर रखी है तो आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी है उस पहली वीडियो को देखते हुए। जैसे टैग्स उधर थे आप इधर भी लगा सकते हो, और उसके बाद जो न्यू वीडियो आपने पब्लिक करनी है उससे ही रेलिवेंट, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो आप बनाएंगे तो आपने कोशिश करनी है उससे भी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाए, अच्छा टाइटल, अच्छी डिस्क्रिप्शन और तकरीबन सेम थंबनेल रखो, ताकि आपके जो व्यूज हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो, आपकी एंगेजमेंट ज्यादा हो। हर पर्सन को रिप्लाई में थैंक यू जरूर कहें, किसी को मत बताएं कि आपकी वीडियो वायरल होगी, ताकि कोई ना कोई दुश्मन आपका कोई फीडबैक ना दे दे, गलत फीडबैक ना दे दे। तो आप चुप करके खामोशी से अपनी वीडियोस को वायरल होते हुए देखते रहें और एंजॉय करते रहें। तो ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से आपकी वीडियोस वायरल होने के बाद वापस डाउन हो सकती हैं, तो आपने डाउन होने नहीं देना। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बता सकते हैं। आप अपने लिए कोई प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई पॉजिटिव क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं अगर हम उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना लेते हैं तो हम उस वीडियो के अंदर आप लोगों का वो कमेंट्स और नाम ऐड करते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।